हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो जैसा कि आपको पता है, हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम जून 2019 के अंदर जो आपका पेपर कंडक्ट हुआ है उसको एनालाइज कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक एनालाइज करने वाले हैं दैट इज स्टैटिस्टिक्स। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए अपीयर हो रहे हैं फॉर दिसंबर 2019। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आप यूजीसी नेट क्लियर करके फर्दर रिसर्च वगैरह करना चाहते हैं तो उसके लिए स्टैट्स का पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रिसर्च के अंदर स्टैट्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यूज किए जाते हैं, तो आप इस टॉपिक को जितना अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं उतने अच्छे से प्रिपेयर करके चाहिए। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, और आप बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए सो दैट आपको वीडियोस का रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो देखिए, क्वेश्चन नंबर वन आपसे क्या कह रहा है, फॉर अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन द रेशियो बिटवीन स्टैंडर्ड एरर एंड सिग्मा इज 8:40। तो आपको यहाँ पे क्या गिवन है, स्टैंडर्ड एरर एंड सिग्मा का रेशियो आपको गिवन है और आपको यहाँ पे निकालना क्या है, सैंपल साइज कैलकुलेट करना है। तो देखिए, काफी सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आपको यहाँ पे अगर फॉर्मूला पता है स्टैंडर्ड एरर का तो आप उस फॉर्मूला को पुट करके सिंपली सैंपल साइज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या है, इसको एक बार हम देख लेते हैं। देखिए, स्टैंडर्ड एरर का आपका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन। तो इसके अंदर आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका आंसर इजिली आ जाएगा। सो चलिए वैल्यूज पुट करके देखते हैं। तो देखिए, स्टैंडर्ड एरर एंड सिग्मा के अंदर रेशियो आपको क्या गिवन है, स्टैंडर्ड एरर आपको गिवन है 8 और सिग्मा आपको गिवन है 40। ओके, अब यहाँ पे आप इसको अंडर रूट कर देंगे एन से। तो देखिए, यहाँ पे आपका क्या आएगा, अंडर रूट एन आप लेफ्ट साइड ले जाइए और यहाँ पे आपका आ जाएगा 40/8, दैट इज अंडर रूट एन इक्वल्स टू 5। अब देखिए, यहाँ पे आप अंडर रूट को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एन इक्वल्स टू 25। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो देखिए, आप देख सकते हैं काफी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप फॉर्मूला जानते हैं तो आप इसका आंसर इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू आपसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। तो आपसे क्या पूछा गया कि इनमें से कौन सा सेकेंडरी डेटा का सोर्स नहीं है। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, इसको भी इजी कैटेगरी में हम रखेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू आपका क्या होता है, प्राइमरी डेटा होता है। आपको कैसी रिसर्च करनी है या क्या स्टडी करनी है इसके बेसिस पे आप लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो ये आपका प्राइमरी डेटा के अंदर आएगा। ओके, सेकेंड आपका क्वेश्चनेयर। तो देखिए, मान लीजिए आप क्वेश्चनेयर प्रिपेयर करके लोगों का ओपिनियंस कलेक्ट कर रहे हैं तो ये आपका क्या होगा, ये भी आपका प्राइमरी डेटा के अंदर आएगा, बिकॉज यहाँ पे आपने क्वेश्चनर को ऐसे डिजाइन किया है जो कि आपके रिसर्च के अंदर काम आए और आप इसको फ्रेश कलेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपका बेसिकली अगर हम देखें तो प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में मेजर फर्क है क्या, प्राइमरी डेटा आपका होता है बिल्कुल फ्रेश डेटा, सेकेंडरी डेटा क्या है, अगर किसी और ने डेटा ऑलरेडी कलेक्ट किया हुआ है और उसके डेटा को आप यूज कर रहे हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, सेकेंडरी डेटा बोला जाएगा। ओके, तो देखिए, इंटरव्यू भी आप ही ले रहे हैं, क्वेश्चन भी आप ही प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये दोनों प्राइमरी डेटा के पार्ट है। ओके, अगला देखते हैं, ऑब्जर्वेशन। सो मान लीजिए आप लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये आपका किसके अंदर आएगा, ये भी आपका प्राइमरी डेटा के अंदर ही आएगा। ओके, अगला है आपका अनपब्लिश थीसिस। सो मान लीजिए किसी ने अपनी डॉक्टोरल थीसिस लिखी हुई है बट वो अभी तक अनपब्लिश है और आप उसके डेटा को यूज कर रहे हैं तो वो किसके अंदर आपका आएगा। देखिए, अगर मान लीजिए वो थीसिस अनपब्लिश है तब भी वो आपका सेकेंडरी डेटा के अंदर आएगा, बिकॉज यहाँ पे भले ही वो अनपब्लिश डेटा है स्टिल यहाँ पे उसको कलेक्ट किसी और ने किया हुआ है और उसने अपने पर्पज के लिए कलेक्ट किया है, बट अगर आप उसे यूज करें तो क्या हो जाएगा, आपके लिए सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। ओके, अगला है आपका एनुअल रिपोर्ट। तो एनुअल रिपोर्ट आपका क्या होता है, देखिए मान लीजिए किसी भी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन कॉलेज ने कोई भी एनुअल रिपोर्ट पब्लिश की है और आप उस एनुअल रिपोर्ट के डेटा को यूज कर रहे हैं तो आपके लिए क्या है, वो सेकेंडरी डेटा, बिकॉज एनुअल रिपोर्ट के अंदर जो भी डेटा कलेक्ट किया गया है वो स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन ने कलेक्ट किया है। ओके, और आप उसको यूज कर रहे हैं तो आप उसके सेकेंडरी यूजर हो जाएंगे। ओके, तो ये आपका सेकेंडरी डेटा के अंदर आ जाएगा। तो अगर हम देखें तो आपका यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे कि कौन सा सेकेंडरी डेटा का सोर्स नहीं है, तो आपका क्या ऑप्शन होना चाहिए, ए बी एन सी। तो देख लेते हैं आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर फोर्थ। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर फोर। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। यहाँ आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ आउटकम्स ऑन पेयर ऑफ डाइस इज इक्वल टू 8। तो यहाँ आपको क्या निकालनी है, सम ऑफ आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसका सम कितना होना चाहिए, 8 के इक्वल होना चाहिए।
तो देखिए, अगर मान लीजिए हम किसी भी डाइस के पेयर की बात करें तो उसके अंदर टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, किसी भी एक डाइस के आउटकम कितने होते हैं, टोटल 6, और दो डाइस के टोटल कितने हो सकते हैं, 6 × 6 दैट इज 36 आउटकम्स। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कोई भी ऐसा पेयर जिसके थ्रू आपका जो टोटल कितना बन रहा है वो 8 के इक्वल हो रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से पेयर में आपका 8 के इक्वल बनेगा। मान लीजिए आपके दोनों डाइस पे 4 और 4 आ गया तो ये भी आपका 8 हो जाएगा। सेकेंड, मान लीजिए आपका किसी एक डाइस पे 2 आ गया, किसी पे दूसरे पे 6 आ गया तो ये भी आपका 8 के इक्वल हो गया। थर्ड आपका 6 2, फोर्थ आपका 5 और 3 हो सकता है, और आपका 3 और 5 हो सकता है। इसके अलावा कोई और बन रहा है, चलिए देख लेते हैं। नहीं, इसके अलावा कोई और नहीं बनेगा। आपका यहाँ पे बेसिकली टोटल कितने आउटकम्स होंगे, 5। ओके, तो यहाँ पे आपके 5 पेयर्स बन रहे हैं आउट ऑफ टोटल 36। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ आपको दो स्टेटमेंट्स गिवन है और आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 आपसे क्या कह रही है, द अर्थमेटिक मीन इज एन ऑल पर्पज एवरेज। तो ये आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, अर्थमेटिक मीन को ऑल पर्पज एवरेज भी कहा जाता है। ऐसा क्यों है, बिकॉज देखिए जो अर्थमेटिक मीन होता है उसी को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है किसी भी एवरेज के पर्पज के लिए, इसीलिए उसको ऑल पर्पज एवरेज भी कहा जाता है। ओके, तो आपकी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं, मीडियन एंड मोड आर कॉल्ड पोजिशनल एवरेज। ओके, तो मीडियन एंड मोड को पोजिशनल एवरेज भी कहा जाता है। यस, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज मीडियन एंड मोड जो होते हैं वो पोजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो आपका स्टेटमेंट 2 भी जो है वो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ द स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक प्रॉपर्टीज से वैसे क्वेश्चन पूछा गया कि अर्थमेटिक मीन की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, मीडियन एंड मोड की बेसिक प्रॉपर्टीज पूछी गई हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ से क्या पूछा गया है, 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट आर -0.8 एंड -0.2, और आपको यहाँ पे क्या बताना है, वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो यहाँ पे आपसे कोरिलेशन एंड रिग्रेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, तो जिसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, आपको पता होगा कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने का तरीका होता है, अगर आपके पास रिग्रेशन कोफिशिएंट्स गिवन है तो इसके बेसिस पे भी आप कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए जो फॉर्मूला है वो यूज होता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट 1 * रिग्रेशन कोफिशिएंट 2। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट होने चाहिए, उन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, कोरिलेशन कोफिशिएंट। ओके, तो इसके अंदर आपको वैल्यूज पुट करनी है, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो चलिए पुट करके देखते हैं। देखिए, ये आपका होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट, इसको आपको कैलकुलेट करना है, अंडर रूट कर लेते हैं। आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट 1 क्या है, -0.8, रिग्रेशन कोफिशिएंट 2 क्या है आपका, -0.2, तो दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 0.16। इसका अंडर रूट कर देंगे तो आपका क्या आएगा, देखिए अगर आप मैथमेटिकली देखेंगे तो इसका आंसर आएगा ±0.4। ओके, तो अब इसको बेसिकली आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, आपके पास 3 और 4 ऑप्शन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी कि प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा। तो यहाँ पे बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज जो रिग्रेशन कोफिशिएंट का साइन होता है और जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का साइन होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे रिग्रेशन कोफिशिएंट का साइन क्या है, माइनस का साइन है, तो आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का साइन भी क्या होगा, माइनस का साइन होगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। ओके, तो एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था ये, अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के प्रॉपर्टीज पता है तो आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, करेक्टली अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पास्ट ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके बेसिस पे ही अगर आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसपे डेली क्विजेस कंडक्ट किए जाते हैं। तो अगर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो आप लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जा सकते हैं, वहां से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो यहाँ पे भी आपको 2 स्टेटमेंट्स गिवन है और आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 आपसे क्या कह रहा है, टी टेस्ट एंड एफ टेस्ट आर बेस्ड ऑन आइडेंटिकल एजम्पशंस। तो यस, ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है, जो आपका टी टेस्ट होता है और जो आपका एफ टेस्ट होता है उनके अंदर जो एजम्पशंस हैं
उनके बीच में कुछ आइडेंटिकल एजम्पशंस भी हैं, और वह एजम्पशंस क्या है इसके बारे में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली एजम्पशन ये है कि दोनों के दोनों टेस्ट ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों की एजम्पशन क्या होती है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। ओके, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। ओके, सेकेंड एजम्पशन क्या है इनकी, सेकेंड एजम्पशन इनकी ये होती है, यहाँ ये एज्यूम किया जाता है कि जो सैंपल्स को पिकअप किया गया है वो रैंडमली पिकअप किया गया है। ओके, तो सैंपल ड्रॉन रैंडमली। ओके, तो इन ये दोनों एजम्पशंस कॉमन है टी टेस्ट एंड एफ टेस्ट के बीच में, तो आप इन दोनों को याद रखिए अच्छे से। तो यहां आपका टी टेस्ट एंड एफ टेस्ट बोथ आइडेंटिकल एजम्पशंस पे बेस्ड है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है आपकी। चलिए स्टेटमेंट टू देखते हैं। टी टेस्ट इज यूज फॉर कंपैरिजन बिटवीन टू ग्रुप्स, वेयर एज एफ टेस्ट इज यूज फॉर कंपैरिजन बिटवीन मोर देन टू ग्रुप्स। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, आप टी टेस्ट का यूज करते हैं अगर आपको कंपेयर करना है मींस बिटवीन टू ग्रुप्स। ओके, बट आप एफ टेस्ट का यूज करते हैं अगर आपको दो से ज्यादा ग्रुप्स के बीच में मींस की स्टडी करनी है। ओके, तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट टू भी करेक्ट है, स्टेटमेंट वन भी करेक्ट है, दैट इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर वन। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ आपको कोवेरियंस गिवन है और आपको यहाँ पे निकालना क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो देखिए, अभी लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने क्या निकाला, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बेस्ड ऑन रिग्रेशन कोफिशिएंट। अब आपको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बेस्ड ऑन कोवेरियंस डेटा। तो देखिए, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट भी है, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं, ये भी बेसिकली एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इसका आंसर इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं इसका आंसर, देखिए यहाँ पे बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ये किसके इक्वल होता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के, और उसको कैसे डिनोट किया जाता है, आर से। ओके, तो इसके अंदर आप वैल्यूज पुट करेंगे, आपका आंसर इजिली आ जाएगा। तो देखिए, अगर इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करें तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे -17.8 अपॉन में 6.6 इनटू 4.2। सो देखिए, आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थोड़े से कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड है, अदरवाइज ये बेसिकली प्योरली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, -0.642। देखिए, आपके पास यहाँ पे अगर माइनस ऊपर गिवन है तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका ऑप्शन या तो वन होगा या फोर होगा। ओके, आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, और वो आएगा -0.642, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, तो आपसे यहाँ से पूछा गया कि कौन सा पैरामीट्रिक टेस्ट है और कौन सा नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होता है और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होता है। देखिए, जब भी हम बात करते हैं पैरामीट्रिक टेस्ट की, ओके, पैरामीट्रिक टेस्ट की जब भी बात की जाती है तो वहां पे बेसिकली पॉपुलेशन के बारे में सर्टेन एजम्पशंस होती हैं। ओके, तो यहाँ बेसिकली हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन के बारे में कुछ ना कुछ एज्यूम करके चल रहे होते हैं, इधर वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी कि नॉन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, ये सारी एजम्पशन हम कहाँ करते हैं, पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर हम पॉपुलेशन के बारे में कुछ भी एज्यूम करके नहीं चल रहे हैं। ओके, तो ये आपका नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हो जाएगा। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है पैरामीट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के बीच में। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आपका कौन सा पैरामीट्रिक टेस्ट है और कौन सा नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। तो सबसे पहले आपका मैन वाइट ने यू टेस्ट, तो ये क्या आपका पैरामीट्रिक टेस्ट है या नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि टेस्ट है क्या और ये यूज क्यों किया जाता है। ओके, तो देखिए, मैन वाइटनी यू टेस्ट यूज किया जाता है अगर आप कंपेयर कर रहे हैं दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स को। ओके, अगर आप दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स के बीच में यहाँ पे आप सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप कंपेयर कर रहे हैं तो आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे, मैन वाइटनी यू टेस्ट। ओके, तो देखिए, ये बेसिकली आपका क्या है कि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। ओके, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट एनपीटी में लिख रहा हूँ, आप इसको याद रखिएगा, एनपीटी दैट इज नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। अगला आपका क्रूसल वॉलिश टेस्ट,
तो ये आपका क्या है, देखिए क्रूशियल वॉलिस के अंदर होता क्या है, क्रूशियल वॉलिस टेस्ट के अंदर हम ये चेक करते हैं कि आपने जो भी इंडिपेंडेंट ग्रुप्स लिए हैं, ओके अभी हमने लास्ट वाले में क्या बात की, इंडिपेंडेंट ग्रुप्स के बारे में बात की, तो जो भी आपने इंडिपेंडेंट ग्रुप्स लिए हैं क्या वो सेम डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग करते हैं या नहीं करते, ये चेक करते हैं हम क्रूशियल वॉलिस टेस्ट के अंदर, ओके और ये भी आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का ही पार्ट होता है, ओके तो आपका 1 and 2 दैट इज ए एंड बी आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के पार्ट है। अगला है आपका एफ टेस्ट। तो देखिए एफ टेस्ट एंड टी टेस्ट इन दोनों के बारे में अभी हमने डिस्कस किया, इन दोनों के बीच में एक आइडेंटिकल एजम्पशन होती है और वो एजम्पशन क्या होती है, ये दोनों बेसिकली ये एज्यूम करके चलते हैं जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके तो यहाँ पे बेसिकली अगर एजम्पशन लेके चला जा रहा है तो ये क्या हो जाएंगे, पैरामेट्रिक टेस्ट के पार्ट हो जाएंगे, ओके क्यों, बिकॉज अभी हमने डिस्कस किया यहाँ हम पॉपुलेशन के बारे में कुछ ना कुछ एज्यूम करके चल रहे हैं, ओके तो आपका एफ टेस्ट एंड टी टेस्ट ये एज्यूम करके चलते हैं कि यहाँ पे जो आपका पॉपुलेशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और एजम्पशन कहाँ की जाती है, पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर, तो यहाँ पे आपके एफ टेस्ट और टी टेस्ट किस में आएंगे, पैरामेट्रिक टेस्ट में आएंगे। काई स्क्वायर टेस्ट, तो बेसिकली काई स्क्वायर टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट के अंदर हम दो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को चेक करते हैं, उनके बीच में कितना रिलेशनशिप है इसको चेक किया जाता है, ओके और ये होता है आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ओके यहाँ पे कोई भी एजम्पशन नहीं होती है पॉपुलेशन के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ आपसे क्या पूछा गया, इनमें से कौन सा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, ओके तो आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन सा है, ए बी एंड ई, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, ओके दैट इज ए बी एंड ई, ओके चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दो लिस्ट गिवन है, ओके और आपको लिस्ट 1 को मैच करना है लिस्ट 2 के साथ, तो चलिए मैच भी कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो लिस्ट 2 के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हर एक चीज़ में स्क्यूनेस की बात की गई है, ओके तो पहले हम ये समझते हैं कि स्क्यूनेस का मतलब क्या होता है। देखिए अगर हम बात करें स्क्यूनेस की तो इसका मतलब ये होता है लैक ऑफ सिमेट्री। अब ये लैक ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब है, देखिए मान लीजिए कोई भी डायग्राम है, ओके मान लीजिए ये नॉर्मल कर्व का हम डायग्राम बना रहे हैं और इसको हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं और इसका एक पार्ट दूसरे पार्ट को अगर परफेक्टली कवर कर ले रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, ये बेसिकली एक सिमेट्रिकल डायग्राम है, ओके दैट इज एक पार्ट जो आपका है ये दूसरे पार्ट को परफेक्टली कवर कर ले रहा है, ओके नाउ नॉन सिमेट्रिकल डायग्राम कैसा होगा, देखिए मान लीजिए आपका डायग्राम कुछ इस तरीके का है और आप इसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं तो क्या जो आपका राइट हैंड साइड वाला पार्ट है क्या वो लेफ्ट हैंड साइड को कवर कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, ओके तो इसको हम कह सकते हैं कि स्क्यूड है, ओके दैट इज नॉन सिमेट्रिकल। अब आपसे यहाँ पे एक स्क्यूनेस का डायग्राम तो नहीं पूछा गया बट यहाँ पे आपसे फॉर्मूला पूछ लिया गया है, तो चलिए फॉर्मूला भी देख लेते हैं। तो देखिए आपके पास क्या गिवन है, कैलिस का फॉर्मूला कौन सा है, बॉलिस का फॉर्मूला कौन सा है, कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला कौन सा है, तो आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कैलिस का फॉर्मूला कौन सा है, बॉलिस का कौन सा है और कार्ल पियर्सन का कौन सा है, बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका, आप इसको देखिए ध्यान से देखिए। तो देखिए कैलिस के फॉर्मूले के अंदर हम परसेंटाइल बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं स्क्यूनेस को, ओके तो यहाँ पे अगर हम कैलिस का देखें तो परसेंटाइल बेसिस पे कौन सा फॉर्मूला है आपका, ऑप्शन नंबर 3, ओके देखिए यहाँ पे आपका P90, P10, P50 ये सारे परसेंटाइल बेसिस पे गिवन है, तो ये आपका कैलिस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को डिनोट कर रहा है, ओके बॉलिस के फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली क्वार्टाइल पे बेस्ड है, ओके तो ये आपका किससे मैच करेगा, ऑप्शन नंबर 3 के साथ। नाउ फर्स्ट वाला आपका डायरेक्टली मैच कर जाएगा कार्ल पियर्सन के साथ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको अगर आपने एक बार ओवरव्यू लिया हुआ है कि बेसिकली कौन कौन से फॉर्मूले में किस किस पर्सन ने कैसे कैसे तरीके से स्क्यूनेस को कैलकुलेट किया है तो आप इसका आंसर इजिली आइडेंटिफाई करके मार्क कर सकते हैं, ओके चलिए तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होने वाला है, देखिए सी का आपका आंसर निकल गया 1, तो आप इसको ध्यान से देखिए तो सी का आंसर एक ही में गिवन है दैट इज फर्स्ट में, ओके तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ आपसे क्या पूछा गया है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ 10 आइटम्स इज 50, तो आपसे क्या बोला गया है कि 10 आइटम्स का अर्थमेटिक मीन कितना है, 50 है, और आपसे पूछा क्या गया है अगर मान लीजिए हर एक आइटम्स को हम 5 से इंक्रीज कर देते हैं तो नया अर्थमेटिक मीन क्या होगा, ओके तो बहुत ही सिंपल सा अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टी से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर मान लीजिए अर्थमेटिक मीन आपका निकला हुआ है 50 10 आइटम्स का और हर एक आइटम्स को आप 5 से इंक्रीज कर देते हैं तो आपका न्यू अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो देखिए आपको पता होगा कि अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप हर एक वैल्यू को सर्टेन नंबर से इंक्रीज करेंगे
तो आपका जो अर्थमेटिक मीन होगा वो भी उसी नंबर से इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सो आप अगर मान लीजिए हर एक वैल्यू को 5 से इंक्रीज कर रहे हैं तो आपका अर्थमेटिक मीन भी 5 से इंक्रीज हो जाएगा। तो पहले आपका अर्थमेटिक मीन कितना था 50 और अब आपका कितना हो जाएगा 50+5 दैट इज 55। तो बहुत ही सिंपल सा अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टी से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, सो दैट्स ऑल, आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो के अंदर हमने स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसको डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फर्दर टॉपिक्स को कवर करेंगे सो दैट आप दिसंबर 2019 के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको प्रिपेयर कर पाएं। तो आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच गाइज़।